Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fine and doing well. We were doing civics chapter 3, how the state government works. हम लोग civics का third chapter पढ़ रहे थे, जिसमें था कि state government किस तरीके से काम करती है. हम लोगों ने topic यहाँ पर पढ़े थे, एक story पढ़ी थी, एक यहाँ पर नेताजी थे जो कि भाषण दे रहे थे. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा constituencies क्या होती है, majority, opposition क्या कहलाता है. ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी. लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में एक डिबेट हुई थी, तीन चार पांच एमएलए थे जिन्होंने बहस की थी. कुछ सरकार के पोजीशन में थे, कुछ सरकार के फेवर में थे. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट के शासन की कार्यप्रणाली क्या होती है, इसमें हमने देखा था कि विधानसभा में चर्चा हुई थी दो तीन जगह पर साफ सफाई को लेकर. तो एक मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें के बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ चैनल के न्यूज़पेपर के लोग आए थे. उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और उसमें दिया गया कि हम लोग साफ़ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और भी आगे काम करेंगे. ये सारा कुछ हमने पढ़ा था. हमें आज स्टार्ट करना है. एज यू सॉ अबव, द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर हैव टेक एक्शन. दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट लाइक द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन. बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसा कि हमने देखा, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है. वह यह काम अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभागों द्वारा करवाते हैं. जैसे कि कोई सड़क का काम होना है, कहीं पर लाइट लगना है, कोई रोड बनना है, तो ये काम कौन देखता है? ये देखता है PWD डिपार्टमेंट, यानी कि लोक निर्माण विभाग. कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इशू है तो वो कृषि विभाग को वो काम दे देता है. अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू है तो स्वास्थ्य विभाग को वो काम देता है, शिक्षा विभाग. ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो जो काम जिस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है वो उस डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है. वो डिपार्टमेंट उस काम को करवाता है और उसकी रिपोर्ट ऊपर यानी कि मुख्यमंत्री तक पहुँचाता है. दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन. उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वासन भी देना होता है कि हम काम करवा रहे हैं या हम लोगों ने उचित कदम उठाए हैं या उठाए जा रहे हैं. इसके साथ साथ समाचार पत्रों, अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है. हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर पर, न्यूज़ चैनल पर ये डिबेट आती रहती है कि सरकार ने क्या पर क्या काम करवाया है या जो काम करवाना चाहिए था अभी तक नहीं हो पाया है, जिसका कि आंसर उस गवर्नमेंट को देना होता है. और ये कैसे होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं और उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ की जाती हैं. द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटाइजेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, इट मे टेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरियाज. इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज. This act of making law on certain issue is done in the legislative assembly on each state of each state. The various government department then implement these laws. Laws for the entire country are made in the parliament. You will read more about the parliament next year. हम लोग parliament के बारे में next year पढ़ेंगे. तो जैसा कि आपने ऊपर देखा, सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है. जैसे कि वे कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर देती है कि वे शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो. यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि हर गांव में स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो, वहां पर अपॉइंट हो. किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य हर राज्य की विधानसभा में किया जाता है. इसके बाद जो अलग अलग जो शासकीय विभाग होते हैं उनको क्या किया जाता है, कानून संसद में बनाए जाते हैं. और संसद के बारे में हम लोग अगले साल पढ़ेंगे. अभी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में. इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs एंड दस इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी. द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर. दिस मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज हेल्थ. इन द अबव एग्जाम्पल, Whatever work is done by this department has to be approved by the member of the legislative assembly. डेमोक्रेसी में यानी कि लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुखता जनता का ही होता है. यानी कि मेन जो शासन होता है वो जनता का ही होता है क्योंकि हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं.
फिर जो सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं, कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, जैसे कि हमने अभी हेल्थ डिपार्टमेंट का देखा कि किस तरीके से शौचालय की व्यवस्था की जाती है और स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त किए जाते हैं। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे एमएलए द्वारा स्वीकृत कराया जाता है, यानी कि एमएलए उसको अप्रूव करता है। वॉलपेपर प्रोजेक्ट क्या है? अ वॉलपेपर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। फॉर द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन द क्रिएटिंग अ वॉलपेपर इन द क्लासरूम। ये कुछ एक्टिविटी है जिसमें कि वॉलपेपर बनाने के लिए दी गए थे बच्चों को। इसमें क्या करते हैं, टीचर जो होते हैं किसी सब्जेक्ट को पूरी कक्षा को परिचय देती हैं और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूह में बांट देती हैं, यानी कि ग्रुप बना दिए जाते हैं और वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा। इसके बाद बच्चे अपने आप को दो दो तीन तीन की जोड़ी में बना लेते हैं। तो इसमें वॉलपेपर का दिया हुआ है, कुछ खास इसमें नहीं है। जैसे कि एक बच्चे ने डेंगी यानी कि डेंगू की महामारी के विषय में वॉलपेपर बनाया था, इसमें कि उसने आर्टिकल लिखा, बनाया, ढूंढा। तो ये था इस चैप्टर में। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन एंड आंसर बाय टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।